हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सा कालबेलिया नृत्य युगल नृत्य नहीं है? इंडोड़ी, संकरिया, पणिहारी और बागड़िया। जो बागड़िया नृत्य है वो एक युगल नृत्य नहीं है, वो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। कालबेलिया महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय ये बागड़िया नृत्य किया जाता है। तो इनमें से बागड़िया नृत्य युगल नृत्य नहीं है। कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बिंदौरी, संकरिया, भवाई और तेरह ताली नृत्य की। तो कजली भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अन्य प्रमुख हैं कुसुम और द्रौपदी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नृत्यांगना वाला, याद रखना है आपको। सपेरा नृत्य किस जाति का है? तो सपेरा नृत्य भी कालबेलिया जाति का ही नृत्य है। साहित्यकार नंद भारद्वाज की किस कृति को सन 2004 में केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुनसान गाथा, हराबल, अंधार पंख, समीही खुलतो मारग। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया नंद भारद्वाज जी को। इनकी जो कृति है वो है समीही खुलतो मारग। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वर्ष 2013 के 23वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कौन हैं? चंद्र प्रकाश देवल। ये वर्ष 2013 के 23वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार हैं। यह पुरस्कार उन्हें उनकी राजस्थानी भाषा की कृति हिरणा मौन साध बन चरणा इसके लिए दिया गया है। क्या नाम है? हिरणा मौन साध बन चरणा। इसके लिए चंद्र प्रकाश देवल को 23वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2013 में। निम्न में से कौन सी राजस्थानी रचना अंग्रेजी कवि टेनीसन की लंबी कविता इनक गार्डन पर आधारित है? एक अंग्रेजी कवि हैं टेनीसन, उनकी लंबी कविता है इनक गार्डन, उस पर आधारित राजस्थानी रचना है एक बीनड़ी दो बीन। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, एक बीननी दो बीन। निम्न कथनों को पढ़ें। इन्हें 2002 में बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2011 में राब सिहा और 2007 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये साहित्यकार थे विजयदान देथा। विजयदान देथा की आप सभी को पता ही होगा, दुबदा, अलेकू, हिटलर, पहेली, ये सारी चीजें इनकी कृतियां हैं। 2002 में इन्हें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2011 में राब सिहा, 2007 में पद्मश्री से। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की जोधपुर इकाई मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में की गई। पोपाबाई की पोल मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकाएं किसने प्रकाशित की? तो ये जय नारायण व्यास ने प्रकाशित की थी। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जय नारायण व्यास के एक तो अंग्रेजी में समाचार पत्र है पीप, इसके अलावा एक है आगीबाण, ये राजस्थानी समाचार पत्र है आगीबाण पीप, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, ये पुस्तकाएं जयनारायण व्यास ने प्रकाशित की थी। 23 सितंबर 1929 को जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर कहां नजरबंद रखा गया था? तो इनको दौलतपुरा डीडवाना में नजरबंद किया गया था 23 सितंबर 1929 को। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? पुष्कर में 24-25 नवंबर 1931 को। 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था। श्री चांदकरण सारदा की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था। पूर्व में यह सम्मेलन 11-12 अक्टूबर 1929 को जोधपुर में होना था, लेकिन ये वहां पर नहीं हो सका। निम्न में से किस शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलगुंड या देवली शिलालेख इसमें कहा गया है, राधनपुर या खुजराओ 954 ईस्वी का शिलालेख इसमें भी कहा गया है, करहाड़ शिलालेख व राजौरगढ़ अभिलेख इसमें भी कहा गया है। तो प्रतिहारों को गुर्जर किन किन शिलालेखों में कहा गया है? नीलगुंड व देवली शिलालेख, राधनपुर या खुजराओ शिलालेख, करहाड़ शिलालेख और राजौरगढ़ अभिलेख।
मंडोर जोधपुर का शिलालेख 837 ईस्वी किस प्रतिहार शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया? तो ये राजा बाउक के समय उत्कीर्ण करवाया गया था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बाउक ने मयूर नामक राजा पर विजय के उपलक्ष्य में यह शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। मंडोर जोधपुर का शिलालेख 837 ईस्वी में किस प्रतिहार शासक के समय उत्कीर्ण हुआ? राजा बाउक के समय। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया? तो नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गोहिलों को किस वंश से उत्पन्न माना है? हूण जाति, विप्रवंशीय नागर ब्राह्मण, यूची जाति से या फिर वैदिकार्यों से। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने विप्रवंशीय नागर ब्राह्मण से गोहिलों को उत्पन्न माना है, विप्रवंशीय नागर ब्राह्मण। बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण कछवाहों की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? तो कूर्म नामक रघुवंशी शासक के वंशज मानते हैं कछवाहों को बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण, जिनकी प्रमुख कृतियां हैं वीर सतसई, वंश भास्कर, इनकी प्रमुख कृतियां हैं सूर्यमल मिश्रण की। चौहानों को खजर जाति से उत्पन्न हुआ किसने माना है? डॉक्टर डी आर भंडारकर ने चौहानों को खजर जाति से उत्पन्न माना है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जैसलमेर के किले का अन्य नाम क्या है? जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ कहते हैं या फिर सोनगढ़ भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, सुवर्णगिरी कहाँ पर है? सुवर्णगिरी जालौर में है। ठीक है, राज्य के किस दुर्ग में 2.5 शाखे हुए थे? तो जैसलमेर दुर्ग में 2.5 शाखे हुए थे, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। 2.5 शाखे जैसलमेर दुर्ग में हुए थे। प्रथम शाखा रणथंबोर में हुआ था 1301 में। चित्तौड़ का प्रथम शाखा रतन सिंह के टाइम पर हुआ था 1303 में। तो जैसलमेर दुर्ग में लूणक रण के टाइम पर क्या हुआ था कि केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। तो 2.5 शाखे हुए थे जैसलमेर दुर्ग में। जैसलमेर किला किस श्रेणी का दुर्ग है? जैसलमेर किला धानवन श्रेणी का दुर्ग है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जैसलमेर दुर्ग किन शासकों ने बनवाया? ये भाटी शासकों के द्वारा बनवाया गया था। जैसलमेर दुर्ग की जो नींव है वो भाटी रावल जैसल ने 1155 ईस्वी में रखी थी। 1155 ईस्वी में भाटी रावल जैसल ने जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी। उनके पुत्र ने इसका अधिकांश निर्माण करवाया। यह गहरे पीले रंग के पत्थरों के एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया है बिना चूने के, ये इसकी विशेषता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने किसे हटाकर भामाशाह को प्रधान बनाया था? रामशाह मैसानी को भामाशाह ने हटा दिया था और इनकी जगह पर भामाशाह को प्रधान बनाया था। पन्नाधाय किसकी पुत्री थी? पन्नाधाय हरचंद हाकला की पुत्री थी। क्वेश्चन आता है कि पन्नाधाय ने किस राजा को बचाया था? किस राजा को दासी पुत्र बनवीर से बताया बचाया था? अपने बेटे के बलिदान देकर, चंदन का बलिदान देकर पन्नाधाय ने किस राजा को बचाया था? आपको कमेंट करके बताना है। मेवाड़ के किस महाराणा को श्रृंगार विश्वम्भम भरो कहा जाता है? मेवाड़ के किस महाराणा को श्रृंगार विश्वम्भरो कहा जाता है? तो ये महाराणा कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया? तो रानी कुंभल देवी के जो स्मृति है उसमें कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया। महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? तो सौभाग्य देवी महाराणा कुंभा की माता का नाम था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बाबा जूझार जी का मेला कब भरता है? बाबा जूझार जी का मेला रामनवमी के दिन भरता है। रामनवमी के दिन बाबा जूझार जी का मेला भरता है। लोक देवता कल्ला जी की सिद्ध पीठ का नाम क्या है? तो रनेला उनकी सिद्ध पीठ का नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्ला जी जो मीराबाई हैं उनके भतीजे थे और ये अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे, शहीद हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि इनका सर कट गया था लेकिन फिर भी ये युद्ध करते रहे थे। इन्हें चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। कल्ला जी को चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है, चार हाथों वाले देवता, तो ये आपको याद रखना है। रनेला में इनकी सिद्ध पीठ है। साथु गांव जालौर में भाद्रपद शुक्ल नवमी को किस लोक देवता का मेला भरता है? तो साथु गांव में वीर फत्ता जी का मेला भरता है जालौर में। भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन
भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन सांथू गांव जालौर में वीर फत्ता जी का मेला भरता है। राजस्थान के किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? वो है रूपनाथ जी। रूपनाथ जी झरड़ा को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? भूमिया भोपाल को बोला जाता है भूमि का रक्षक देवता। भूमिया जी को भूमि के रक्षक देवता के रूप में लोकप्रिय माना जाता है। बीरबल कल्ला जी के गुरु कौन थे? कल्ला जी की प्रमुख पीठ हमने पढ़ी थी रनेला में, और भैरवनाथ जी कल्ला जी के गुरु थे। सूर सागर, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, रघुवंश, रसिक प्रिया, रामायण में महाभारत आदि चित्रों का चित्रांकन किसके समय में हुआ? महाराणा जयसिंह के टाइम पर हुआ था। सूर सागर, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, रघुवंश, रसिक प्रिया, रामायण में महाभारत आदि चित्रों का चित्रांकन महाराणा जयसिंह के टाइम पर। जीवा, अमरा, नगा, शिवदयाल, शाहजी मियाँ, रघुनाथ, सिबा, भोपा आदि चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? उदयपुर शैली से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चित्रकार पूछे जाते हैं एग्जाम में। जीवा अमरा नगा, शिवदयाल, शाहजी मियाँ, रघुनाथ, सिबा और भोपा। दोबारा रिपीट करता हूँ, जीवा अमरा नगा, शाहजी मियाँ, रघुनाथ, सिबा, शिवदयाल और भोपा, ये चित्रकार उदयपुर शैली से संबंधित हैं। तिलकायत की गोवर्धन जी के समय कौन सी चित्रकला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो ये नाथद्वारा शैली थी जो चरमोत्कर्ष पर थी। मेवाड़ स्कूल की नाथद्वारा शैली परंपरा आज भी जीवित है। 21 मार्च 1942 को कोटा से लोक सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? पंडित अभिन हरि ने। पंडित अभिन हरि ने कोटा से हड़ौती प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य थे पंडित अभिन हरि और नयनूराम शर्मा। 21 मार्च 1942 को कोटा से लोक सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया अभिन हरि ने, पंडित अभिन हरि ने कोटा से। स्वराज नामक साप्ताहिक पत्र किससे संबंधित है? ये रामकरण जोशी से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। स्वराज नामक साप्ताहिक पत्र रामकरण जोशी से संबंधित है। लोकवाणी दैनिक के प्रथम संपादक कौन थे? देवी शंकर तिवाड़ी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देवी शंकर तिवाड़ी लोकवाणी के प्रथम संपादक थे। राजस्थान की किस महिला क्रांतिकारी नेता को वर्ष 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? जानकी देवी बजाज को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। जानकी देवी को 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, याद रखना है। यश सुख वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे न रहे, इच्छा है तो बस यह है, ये स्वेच्छाचार दमन न रहे। ये जो कविता है इसके रचयिता हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं, और भूप सिंह इनके बचपन का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। तो यश सुख वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे न रहे, इच्छा है तो बस यह है, ये स्वेच्छाचार दमन न रहे, ये विजय सिंह पथिक के द्वारा कहा गया था। धनुर्धर का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। धनुर्धर का जो प्रारंभ है प्रकाशन, वो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी ने किया था। रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक किसने लिखी? तो एक तो गुंडाराज लिखी थी सागरमल गोपा ने, और एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा लिखी थी। सागरमल गोपा की जैसलमेर की जेल में मृत्यु हो गई थी। जैसलमेर की जेल में मृत्यु हो गई थी। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र पर सरकारी प्रतिबंध के बाद राजस्थान सेवा संघ द्वारा 22 जुलाई 1923 से अजमेर से प्रकाशित किए जाने वाले नए समाचार पत्र का क्या नाम था? तो वो था तरुण राजस्थान। जब नवीन राजस्थान पर रोक लगा दी गई तो 22 जुलाई 1923 से अजमेर से तरुण राजस्थान प्रकाशित किया गया था। अब आपके लिए क्वेश्चन यह है कि आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसके द्वारा की गई, आप कमेंट करके बताओ, जरूर बताना है आपको। 1928 ईस्वी में तरुण राजस्थान का संपादन जयनारायण व्यास के हाथों में आने के बाद इस पत्र का प्रकाशन अजमेर से बंद कर किस स्थान से शुरू किया गया था? तो ये ब्यावर से शुरू किया गया था। जब तरुण राजस्थान का प्रकाशन किया था जयनारायण व्यास ने, तो इसे ब्यावर से प्रकाशित किया था 1928 में।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों की आवाज़ नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो ये जोधपुर से किया गया था, किसानों की आवाज़ नामक समाचार पत्र का प्रकाशन। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख रुपये। मत्स्य संघ का जो नाम है वो के एम मुंशी ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है, के एम मुंशी। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। सरदार पटेल, बीपी मेनन इसके प्रमुख सदस्य थे। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कौन सा है? ये हमसे पूछा है। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही बात है, सप्तम चरण में किया गया। सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया, ये बात गलत है, सिरोंज का विलय मध्य प्रदेश में किया गया था। आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, ये भी सही है, देलवाड़ा सिरोही में और आबू इनको राजस्थान में सम्मिलित किया गया। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, ये बात गलत है, मत्स्य संघ को तो पांचवें चरण में ही कर लिया, अंतिम चरण में नहीं किया था, तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है इसमें। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल असावा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया, 25 मार्च 1948 को बनाया गया था। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 को किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, अजमेर और आबू देलवाड़ा क्षेत्र को, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सप्तम चरण में शामिल किया गया।